बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 13 मई 2024, 3 ज़िलहज, 31 बैसाख, 713 पॉइंट्स मार्केट पॉजिटिव, क्यूमुलेटिव इंडेक्स 73,799। इंशाल्लाह कल जो इंडेक्स है वो 74,000 तोड़ देगा। आज 2-3 स्क्रिप्ट आपके लिए लेके आ रहे हैं, मगर पहले कुछ ऐसे सवाल आपके आ रहे हैं जिसके जवाब आप लोगों ने मांगे हैं, और वो लेके आ रहे हैं हम कैपको को। देखिए, कैपको में बहुत दवा कर चुका हूँ, और इसको क्या कहते हैं, आपसे काफ़ी डिस्कशन होती है। मैं आजकल कैपको जेर बहस क्यों आ रहा है? कैपको जेर बहस इस वास्ते आया है कि देखिए, कैपको का प्लांट बंद है, कोई पावर परचेज एग्रीमेंट नहीं है, एक धेरे की बिजली नहीं बना रहे, मगर कैपको का शेयर बढ़ते ही जा रहा है। कुछ दिन पहले एक मटेरियल इन्फॉर्मेशन PSX पे आई थी, और उसकी वजह से इसने 27 से जम मार के 32.68 रुपये पे आया, जो कि आज की लोजिंग है 32.68 रुपये, और इसको हम बहुत दफ़ा कर चुके हैं। इस वजह में पुरानी कोई इसकी बात नहीं करूँ। आप लोगों के सवाल और उनके जवाब सुन लीजिए। आप लोगों का जो पहला सवाल है कि सर, कैपको तो बंद पड़ा है, बिजली ये नहीं बना रहे, तो ये हमें डिविडेंड कहां से दे रहे हैं? भाई, बड़ी सिंपल है। इस वक्त इसकी जो बुक वैल्यू है कैपको की, वो 70 रुपए से ऊपर है। अगर ये कंपनी सेल आउट भी हो जाए तो 70 रुपए का एक शेयर है, तो लिहाजा बड़ी स्ट्रांग कंपनी है। और इनके पास जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं वो 80 से 90 अरब के फाइनेंशियल एसेट पड़े। दूसरा आपका सवाल आया, अगर कंपनी बंद पड़ी है तो ये एम्प्लॉयज इतने ज्यादा क्यों रखे हैं? इसका जवाब मेरे पास कुछ इस तरह है कि खामखा एम्प्लॉयज रखे हुए हैं, और हर महीने ये 20 से 25 करोड़ रुपए खर्चा करते हैं एम्प्लॉयज पे। फिर वहाँ इन्होंने क्या करें, इनके एम्प्लॉयज़ है 439 हैं और 486 तक हैं, दोनों को मुआवजा कर लेते हैं, तो ये 20 से 25 करोड़ महीने का खर्चा कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं? बड़े सिंपल है, इसका जवाब भी मैं दे देता हूँ। और इनके जो अफसराने बाल हैं, इतनी ज़्यादा बोनस ले रहे हैं, सैलरीज ले रहे हैं, गाड़ियाँ ले रहे हैं, पर्स ले रहे हैं, उस पर बैठे हैं, तो भाई ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं? ये सिंपल है कि इन्होंने गवर्नमेंट ट्रेजरी में डाला हुआ है। अगर आप सिंपलोजिंग 1 अरब भी गवर्नमेंट ट्रेजरी में डाल दें तो उससे 220 करोड़ रुपए जो है आपके बनते हैं। वही मैं कह रहा हूँ कि 22 करोड़ रुपए बनते हैं महीने के, तो आप खुद सोचिए इनके पास कितना अरब रुपये पड़ा हुआ है। तो अब प्रॉब्लम क्या आ रही है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि कैपको के पास कोई अच्छा फंड मैनेजर नहीं है। जो CFO साहब हैं वो उनकी तो मौजें लगी हुई हैं, उन्होंने उठा के ये सारा पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डाला है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से बैक टू बैक उनको एमओ रेट 22% या 21.5% पे आपको प्रॉफिट आ रहा है, उसी प्रॉफिट से कंपनी चल रही है। देखिए, और कोई अच्छा फंड मैनेजर होता तो ये और तरह के लेटरल एक्टिविटी करता, कोई और डाउनस्ट्रीम एक्टिविटी करता, जैसे कि इन्होंने अभी एक प्लांट लेने की कोशिश की है, मगर वो क्या छोटा सा प्लांट इनके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। तो लिहाजा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम कैपको का अभी आ रहा है, इनके पास अच्छा फंड मैनेजर मौजूद नहीं है, और यही वजह है कि कंपनी कुछ दिन चलेगी, मगर अगर मजीद इस तरह चलती गई तो एक वक्त आएगा कि कंपनी दिवालिया हो जाएगी। आप लोगों के सवालात का मैंने जवाब दे दिया। एक तो यह है कि कंपनी चल नहीं रही, बंद पड़ी है, एम्प्लॉयज उसी तरह हैं, इनकी पे पेंशन उसी तरह हैं, पर्क्स उसी तरह हैं, अयाशियां उसी तरह हैं, सर्विस वास्ते कि बैक टू बैक भी गवर्नमेंट ट्रेजरी से लोग ये कमा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इनको कोई जल्द डाउनस्ट्रीम एक्टिविटी मिले,
कोई लाइट इलेक्ट्रिसिटी में ले, कोई और पावर प्लांट खरीदें ताकि ये प्लांट जो है ना जनरेट करे। फिलहाल तो समझे कि बस ये जी कंपनी वो एमओ रेट पे चल रही है। बहरहाल उम्मीद करता हूँ आपके सवालात के जवाब मौजूद तौर पर मैंने दे दिए हैं। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल का ख्याल करिएगा, जो नए आए हैं वो प्लीज़ हमारे बेल आइकन को प्रेस करके सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। वस्सलातु वस्सलाम खातमुन नबी। For the first time in Pakistan, purity and freshness preserved in an all-new glass bottle. Water just got better. Marais Sparklets, a quality product of Marais.